तमिल परिवार में शशिकला शशोद्री के रूप में जन्मी मीनाक्षी शेषाद्री का जन्म 16 नवंबर 1963 को हुआ। बचपन से उन्हें भारतीय शास्त्रीय नृत्यों, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक और उड़ीसी में प्रशिक्षित किया गया। मीनाक्षी 17 साल की उम्र में साल 1981 में मिस इंडिया बनी। मीनाक्षी को मनोज कुमार ने अपने बेटे राजीव गोस्वामी के साथ साल 1983 में फिल्म पेंटर बाबू से बॉलीवुड में लॉन्च किया, लेकिन ये फिल्म फ्लॉप रही। फिर इसी साल सुभाष घई ने मीनाक्षी को फिल्म हीरो से दोबारा लॉन्च किया और फिल्म जबरदस्त हिट रही, जिनमें मेरी जंग, शहनशाह, गंगा जमुना सरस्वती, घायल, जुर्म, घर हो तो ऐसा आदि उनके करियर की कुछ मुख्य फिल्में रही। दामिनी को उनके करियर की सर्वश्रेष्ठ फिल्म माना जाता है। मीनाक्षी की आखिरी फिल्म साल 1996 में आई घातक थी। कामयाबी के शिखर पर पहुंचने के बाद मीनाक्षी ने फिल्मों को अलविदा कह दिया और साल 1995 में निवेशक बैंकर हरीश मैशूर से शादी कर ली। मीनाक्षी ने न्यूयॉर्क में एक रजिस्टर्ड शादी की थी। वर्तमान में मीनाक्षी अपने पति और बच्चों के साथ टेक्सास में रहती हैं।